बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिक्र करेंगे, क्या जिनकी शर्मगाह छोटी है वो शादी कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी शर्मगाह छोटी है, क्या मैं निकाह कर सकता हूँ। सब कुछ आप सुन सकेंगे इस वीडियो में, आप देख सकेंगे हज़ारों लोग जो इन चीज़ों का शिकार होते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आप आधी देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। पहली चीज़ तो ये कि एक सवाल जो बार बार आता है वो ये, जो मुझसे बहुत से लोग करते हैं निकाह से पहले, अक्सर मुझे ईमेल आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं। बहरहाल ये मैं किसी का नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक जनरल सेंस में और लोगों के फ़ायदे के लिए बातें बयान कर रहा हूँ मैं, तो कोई ये ना समझे कि यार मैंने किया था सवाल। ऐसा नहीं है, आपका मुझसे हज़ारों लोग सवाल करते हैं, हज़ारों ईमेल आते हैं, हज़ारों कॉल आते हैं, तो आप अपने ऊपर ही मत लें इसको। कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, हज़ारों लोग एक जैसे सवाल भी करते हैं, तो उन सवालों को मैंने जमा किया ताकि वजाहत हो जाए, चूँकि आप लोग भी सुन रहे हैं इंटरनेट के जरिए, पता नहीं कितने हज़ार लोग उसको और सुनेंगे, वो फ़ायदा उठा सकते हैं। एक चीज़ ये होती है कि मेरी शर्मगाह बहुत छोटी है, क्या मेरा निकाह दुरुस्त है, एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो लोग करते हैं। तो मैं जनरली उनको आस्क करता हूँ, तुम्हें पता कैसा चला तुम्हारी शर्मगाह छोटी है? हु सेड यू, हु टोल्ड यू, किसने बोला तुमको? देखिए, अगर कोई कहे मेरी गाड़ी छोटी है इसी गाड़ी से, तो आपको कैसा पता चला आपकी गाड़ी छोटी है इसी गाड़ी, जब तक आपने उसकी गाड़ी नहीं देखी? कॉमन है। कोई अगर ये कहे कि मेरी शर्मगाह छोटी है, तो मेरा बेसिक क्वेश्चन है, किसने कहा आपसे? ये देखिए, नौजवानों के सवाल आते हैं, इसलिए मैं इनको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी ख्वाहिशात नहीं। किसने कहा आपसे? तो इसका ये कहाँ से शुरू हुआ मालूम आपको? आपने गंदी गंदी पिक्चरें देखी होंगी, आपने तस्वीर देख ली होंगे, या कुछ लोग ने देखी नहीं होंगे लेकिन उनको दिखा दिए गए, कुछ को दिखाए नहीं होंगे, अचानक नज़र पड़ गई। अब नज़र पड़ने से क्या होता है, ये चीज़ों में इंसान बहुत मोहतात होता है। समझ लीजिए एक मैगजीन थी, कोई बुरी नज़र पड़ गई और उसमें उसने देख लिया मर्द की शर्मगाह, जो कि बहुत बड़ी थी। अब वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है उस, और ये सोच रहा है शायद। तो देखिए, इसकी कोई हकीकत नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता था आदमी कैसा और कैसा नहीं हो, ठीक है? तो इंसान की मर्द की शर्मगाह के साइज डजंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तिब्बी एतबार से, मेडिकल एतबार से, अगर 2.5 इंच, 2.5 इंच या उससे ज़्यादा, या 2 इंच से अबव हो, तो इंसान मुकम्मल तौर से जमा की लज्जत सेक्स का बेनिफिट भी उठा सकता है, और इसकी औलाद की पैदाइश में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो एक कॉमन क्वेश्चन लोग करते हैं, ये उस बुराई की वजह से, या पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं उस वजह से ये होता है, और अपने आप को कंपेयर करते हैं। आप उन लोगों के चक्कर में मत जाइए जो पता नहीं एनिमेशन और एडिटिंग के जरिए क्या क्या कर कर आपको बता रहे हैं, और आप उस चक्कर में। और आज दुनिया में सबसे बिगेस्ट जो सेलिंग जो इंडस्ट्री है वो सेक्स टॉयज़ है। क्यों? इसलिए कि लोगों को बता देगा तुम उस लायक ही नहीं हो ये अमल करने के, इसलिए कि उसके लिए तो इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और कौमें तो बर्बाद हो ही गई, उनको तो छोड़ ही दीजिए आप, उम्मत मुस्लिमा का नौजवान भी बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये सब निकालिए अपने जहनों से, ये सब फितरी आमाल है, इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको फितरी तौर से वैसा बनाया। एक बार एक शख्स ने मुझसे सवाल किया कि एक आदमी की शर्मगाह बड़ी छोटी है, उसने एक बीवी औरत से निकाह किया, इसका क्या मामला है? बोला तुझसे सवाल किया उसने, तो कहा नहीं। देखो फरीक सालिस बनाया, तो कहा नहीं। तो फिर तू बीच में क्यों पड़ता है? जब वो राजी और ये राजी, तुझे क्या करना है उससे? व्हाट यू हैव टू डू, तुमको क्या करना है उससे, ठीक है? तो वो खामोश हो गया। मैंने कहा ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए किसी की आम जिंदगी की, तला आपसे पूछा उसने, नहीं मुझसे क्यों पूछ रहे फिर आप उसके तल्लु, ठीक। तो बहरहाल इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखे तो ये गलत फहमी अपने जहनों से मुकम्मल तौर से निकाल दीजिए। सेकेंडली, नहीं मेरी तो शर्मगाह बड़ी छोटी, अब इसके लिए जो है पीनस एनहांसमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, मतलब शर्मगाह को कैसे बढ़ाया जाए, मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे, तो कोई मुख्तलिफ प्रोग्राम जिसमें खींच कर लंबा किया जा रहा है। देखिए एक देखिए क्या होता है, मर्द की शर्मगाह एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा आज़ा है जिसके अंदर हड्डी नहीं होती, जिसके अंदर बहुत कम मसल्स होते हैं, मेजर जो वर्क होता है उसके अंदर वो ब्लड प्रेशर से होता है पूरा, खून का दौरान उसके अंदर जाने से, जिनसी ख्यालात की वजह से, उससे वो जो है बड़ा और छोटा होता है, याद रखिए। एक चीज़ जो ब्लड प्रेशर से बड़ी और छोटी होती है, उसको एक्सरसाइज से बड़ा कर सकते हैं, एक्सरसाइज से बाइसेप्स बड़े हो सकते हैं, ट्राइसेप्स बड़े हो सकते हैं, शोल्डर्स बड़े हो सकते हैं, थाइस बड़े हो सकते हैं, लेकिन शर्मगाह नहीं हो सकती याद। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग हज़ारों रुपये, या अदर लैंग्वेज में कहूँ तो हज़ारों डॉलर डाल रहे हैं सिर्फ एनहांसमेंट बढ़ाने के लिए, मुख्तलिफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं, अल्लाह रहम करे, फितरी चीज़ को गैर फितरी बनाया जा रहा है और गैर फितरी चीज़ को फितरत बनाया जा रहा है। इसको हमको बहुत ज़्यादा समझना होगा, बिलखसूस वो नौजवान जो वेस्ट में रहते हैं, यूके है, यूरोप है, अमेरिका है, उनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक। तो इस चक्कर में बिल्कुल मत जाइए सब चीज़ें, कोई एनहांसमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई इम्प्लांट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई आपको जो है ऑगमेंटेशंस की ज़रूरत नहीं है, याद रखिए। ये सिंपल है, नेचुरल, अल्लाह ने आपको बनाया है उस तरह।
आप दूसरी गाड़ियों को देखेंगे तो अपनी गाड़ी आपको छोटी नजर आएंगी, कोई जरूरत नहीं आप किसी को कुछ देखने की। अल्लाह ने हर किसी को उस लायक बनाया, वो कर सकता है, सिवाय इसके कि जिसको बीमारियां हो या जो एबनॉर्मेलिटीज हो, वो एक अलग चीज़ है, याद रखिए। उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ जरूरत नहीं है उसकी। ठीक, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसका इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त।